शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। कितना टाइम लगा दिया, चल 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 चल। सॉरी सॉरी, थोड़ा लेट हो गया। थोड़ा नहीं, काफी लेट हो गया। मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। घर वालों के सोने का इंतजार तो करना ही था ना। एक तो मैं लड़की, पर से आधी रात को घर से निकलना आसान नहीं होता। ओए, तुम दोनों ने मेरी बात कान खोल के सुनो। इस शादी वाली की बात ना अपने घर में जल्दी से कर लो, नहीं तो तुम दोनों की वजह से ना किसी दिन मैंने फंसना। अच्छा अच्छा, ठीक है दीदी। ओए, छोटी हो तो अच्छा, मैं 3 महीने ही छोटी हूँ। चल सॉरी, जल्दी आना। अच्छा सुनो ना, कब तक हम ऐसे छुप छुप के मिलते रहेंगे? घर वालों से शादी के बाद कब करोगे? क्यों नहीं रही है जूही की बच्ची, इसकी वजह से किसी दिन मैं फंसूंगी। प्यार करने से पहले नहीं सोचा था कि तुम्हारे पास जॉब नहीं है? तुम्हें क्या लगता मैं तुमसे प्यार नहीं करता? तुम सारे लड़के ना ऐसे ही होते हो। आज बचा लो, मैं आज के बाद इसके साथ कभी भी नहीं आऊंगी। कोई है? कोई है? कोई है? कोई है? कोई है? कोई है? Thank you.
कहाँ लेके जा रहे हो मुझे? चल पता चल जाएगा। भाई मैंने किया क्या? चलना पता चल जाएगा। अरे यार चल, बता दो तुझे मैं कहाँ लेके जा रहा हूँ। चल मुझे बताओ तो सही। चलना तू, तुझे मैं कहाँ लेके जा रहा हूँ? नहीं हद होती है यार कुछ। चल यार कहाँ लेके जा रहे यार? चल तू आराम से यार, छोड़ो ना यार। कितनी बार वार्निंग दी पर तू नहीं माना। जब तेरी बीवी तेरे साथ नहीं रहना चाहती तो छोड़ क्यों नहीं देता उसे? तेरी बीवी तेरे साथ नहीं रहना चाहती, समझ में नहीं आता? जबरदस्ती रखेगा क्या उसे और ऊपर से मारेगा भी? वो मेरे घर का मामला है, तुमसे मतलब? अब क्या करेंगे? FIR कर सकता है वो आदमी? करने दे, जब FIR लगाएगा तो फिर मारेंगे। सरपंच को क्या बोलोगे? है हिम्मत? ऐसे तो बड़े शेर हो लेकिन सरपंच साहब के सामने फुस हो जाती है तुम दोनों की। हाँ तो तेरी फुस नहीं होती क्या? यार दीदी बात को समझो, इज्जत का सवाल है। सरपंच साहब का गुस्सा तो ठीक है, पुलिस आ गई तो क्या टोर रह जाएगी गाँव में हमारी? 8,000 है, पटाले पुलिस वालों को। भैया ठीक है, आपने बुलाया था? हाँ वही भावना का मैटर है, बात अगर पुलिस तक गई तो भावना की बहुत बदनामी होगी और ऊपर से परिवार गरीब भी है। मुझे लगता है लड़की के साथ बहुत गलत हुआ है, जिसने भी किया छोड़ूंगी नहीं भैया। मुक्ति, गुस्सा मुझ में भी बहुत है पर लड़की के पास किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं है। लाए थे उसके परिवार वाले उसे मेरे पास, बट वो कहती है कि उसे कुछ याद ही नहीं। सवाल तो बहुत हैं लेकिन जवाब एक भी नहीं। तो फिर अब करें क्या? इस समय गांव वाले बहुत गुस्से में हैं, तरह तरह के इल्ज़ाम लगा रहे हैं भावना पर। देखते हैं कचहरी में क्या होता है। कचहरी शुरू करते हैं। सरपंच साहब आप ही बताइए, हमारी भी बच्चियां हैं, अगर ऐसे लोग यहां रहेंगे तो हमारे गांव का क्या होगा? ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, इनको इस गांव से निकालो वरना बात पुलिस तक जाएगी। अरे आप लोग ये कैसी बातें कर रहे हैं? एक तो मेरी बच्ची के साथ जुल्म हुआ है और आप लोग इस तरीके की बातें कर रहे हैं। आपकी बच्ची के साथ कोई जुल्म नहीं हुआ, आप तो सीधे इंसान हैं। ये लड़की अंदर ही अंदर क्या करती हैं आपको नहीं पता? सरपंच जी मैं बताती हूँ, ये लड़कियाँ खुद ही लड़कों से मिलने और गंदे काम करने जाती हैं। अब वो अपने सुरजीत जी हैं ना, इसका चक्कर तो उसके लड़के के साथ भी रहा है, सारा गांव जानता है। ये छुप छुप के उसके घर भी जाती थी, सबको पता है। आंटी चक्कर नहीं था मेरा उसके साथ, मैं मानती हूँ कि मेरा उससे रिश्ता था। मुक्ति दीदी को सारे गांव वाले बहुत प्यार करते हैं, बहुत इज्जत करते हैं, हम सबके लिए प्रेरणा है, लेकिन प्यार तो इन्होंने भी किया। ओ लड़की, अपनी औकात में रह के बात कर वरना यही चीर के फेंक दूंगी। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरा नाम लेने की? बैठ जाओ मुक्ति। पर ये बैठ जाओ, अरे मैं कह रहा हूं ना बैठ जाओ। और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम भरी कचहरी में मेरी बहन का नाम लोगी? सरपंच साहब इससे गलती हो गई,
इसके साथ जो हुआ है इससे इसका दिमाग नहीं काम कर रहा है। माफ कर दीजिए, इसको माफ कर दीजिए। ए लड़की, दो सीधे सीधे सवाल हैं, दो जवाब चाहिए मुझे। तुम कह रही थी ना कि तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ है, किसने किया है, और उस रात तुम घर से इतने दूर करने क्या गई थी? हाँ, वो कुछ पता क्यों नहीं रही? तुम भी जानते हो इस समय सारे सबूत उसके खिलाफ हैं। मेरे पास एक रास्ता है। तुम तो जानते हो इस समय सारे गांव वाले बहुत ज्यादा गुस्से में हैं। जब तक इनका गुस्सा थोड़ा ठंडा नहीं हो जाता, हम भावना को एक दो साल के लिए हिमाचल भेज देते हैं। अरे तुम फिक्र नहीं करो, उसके रहने का खाने का वो मैं सब देख लूँगा। लेकिन सरपंच साहब, मैं मेरी बेटी को इतनी दूर अकेले ऐसे। और कोई रास्ता है तुम्हारे पास? तो कुछ और बात होती, तो कुछ और बात होती। ए मुक्ति, लगा लेना एक पैक। जा बे, नहीं है मूड। दिल के तार छेड़ दिए यार आज उस लड़की ने। कसूर क्या था मेरा, किया क्या था मैंने? प्यार ही तो किया था, वो भी पूरी शिद्दत से, सच्चाई से, सीना ठोक के किया था। मैंने थोड़ी छोड़ा उसे, उसने छोड़ा, शादी कर ली। अब इसमें मेरा क्या कसूर? हाँ, अरे छोड़ यार, देखा है मैंने तेरा प्यार श्यार। अरे तूने उस आदमी के लिए शादी नहीं की जिसने बच्चे पैदा कर लिए, और यहां मैंने तेरे लिए शादी तक नहीं की। काश अपने दिल को रोक पाता तो रोक लेता। तेरे से शादी करूंगी मैं? उससे पहले आत्महत्या ना कर लूं? करता क्या है तू? सरपंच ने अपना कटप्पा ना बनाया होता तो पता नहीं कहां धक्के खा रहा होता। है क्या तेरे पास दिन में गुस्सा, रात में दारू और एक टूटा हुआ दिल? बहुत घाटे का सौदा है, मेरे को बिल्कुल नहीं करना। अरे सरपंच साहब का फोन। हेलो जी, अभी? हाँ अभी आ जाता हूँ जी, यही है जी। क्या हुआ? सरपंच साहब का फोन है, सारी दारू उतर गई, बुलाया अपन को। चलो ए, रखना ये, खाना है।
खत्म नहीं करना है। हाँ अभी आ रहा हूँ मैं। मैंने संजीव से बात कर ली है और वो मान गया है। तो अब क्या करना है और कैसे? मैं सोच रहा हूँ भावना को हिमाचल भेज देते हैं, वहाँ का मैं सारा इंतज़ाम देख लूँगा, लेकिन उसके लिए विक्की को बुलाना पड़ेगा। कौन विक्की साहब जी? अरे अपना विक्की। भैया मैं मानती हूँ कि आपका तजुर्बा हमसे ज़्यादा है, लेकिन विक्की भैया वो 10 साल से शहर में रहता है, कैसा है क्या करता है कुछ नहीं पता, और ऐसे इंसान पे मुझे तो बिल्कुल भरोसा नहीं। मुक्ति मैं तुम्हारी चिंता का कारण अच्छे से समझता हूँ, पर तुम लोग तो जानते हो कि वो बचपन से हमारे यहाँ पला बड़ा है, बड़ा सीधा लड़का है बेचारा। साहब जी माफ करना, आपको याद होगा उसने कितना बड़ा कांड किया था, अगर आपने उसे नहीं बचाया होता तो अब तक जेल में सड़ रहा होता। मैंने सब पता लगा लिया है, उसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। अगर उस वक्त विक्की की कोई भी गलती होती तो मैं उसका साथ कभी ना देता। हिमाचल यहाँ से बहुत दूर है और तुम दोनों तो वहाँ के बारे में कुछ जानते नहीं, तो फिर किसको भेजेंगे बोलो। काम क्या है? जगह और टाइम मैं बताऊं, आदमी भी बताऊं, बस उस आदमी के पास जो बैग है वो मुझे ला दो। बैग में ऐसा क्या है? अगर वो बैग कोर्ट पहुंच गया तो मेरा भाई जिंदगी भर जेल से नहीं निकल पाएगा। पैसा कितना मिलेगा? 1 लाख। दो डन। सुन अगली चौक में मिल और बाइक स्टार्ट रखना, ध्यान रखना आदमी बड़ा तगड़ा है। चुपचाप ड्रामा किए बिना बैग दे, निकाल निकाल।
बैग तुम्हें किसने भेजा? हेलो तुम एक बढ़िया सीना चाय के कप ला दो। ओह विक्की आओ 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 आओ। नमस्कार नमस्कार। सुखी रहो सुखी रहो सुखी रहो। कैसा रहा सफर? बिल्कुल ठीक रहा। अच्छा अच्छा। ये सोनू तुम्हारा छोटा भाई सोनू कितना जवान हो गया लड़का है? अच्छा है। भावना विक्की याद है तुझे? सुषमा भाभी का बेटा। वही लेके जाएगा तुझे। अपना घर याद है तुझे? हाँ बिल्कुल, पर काफी बड़ा हो गया है। जिसने खरीदा था बहुत अमीर आदमी है वो। भाई यहाँ का मौसम कितना अच्छा है ना। मौसम अच्छा है पर हवाओं में साजिश है। मतलब? ये गन किसने दी आपको और क्यों? भावना को मारना होगा। क्या? पर क्यों? और ये काम किसने करने के लिए कहा?
मुक्ति। बेचारी की तो किस्मत ही खराब है, पहले माँ गुजर गई और आप ये सब। क्या फैसला किया आपने? कितने सपने देखे थे भावना के लिए, उसके अलावा हमारा है ही कौन? इतनी दूर अनजान जगह कैसे भेज दूँ? भले मैं उसकी सगी माँ नहीं हूँ, पर उसके होने से मुझे औलाद की कमी कभी महसूस नहीं हुई। बेटी है वो मेरी, उसकी तकलीफ को अच्छी तरह समझ सकती हूँ, लेकिन वो अपने बारे में बताती कुछ नहीं है। कुछ तो है, आखिर वो वहाँ पहुँची कैसे? पता नहीं, सरपंच साहब बहुत अच्छे इंसान हैं। मुझे लगता है जो उन्होंने बताया हमें वही करना चाहिए। क्या कहते हैं आप इस बारे में? सरपंच जी को हाँ तो बोल दिया मैंने, बड़ा मुश्किल है फैसला लेना, समझ नहीं आ रहा है क्या करूँ। बोलना, क्यों बुला तूने मेरे को इधर? यार तेरे एक हेल्प चाहिए। बोलना, तू मेरे इतने काम आती है तो आज मुझे भी आजमा के देख ले। ये भावना का तो तुझे पता ही है ना, सारी इज्जत की धज्जियां उड़ा कर रख दी है उसने। पर तुम लोग तो भेज रहे हो उसको, तो फिर क्या प्रॉब्लम है? पर उसका बाप माने तब ना। मेरे काम करेगा क्या? उठ, क्या बकवास कर रहे हैं? मैं बकवास कर रहा हूं? मैं बकवास कर रहा हूं? पूरे गांव की इज्जत तूने मिट्टी में मिला दी और मुझे पूछती कि मैं बकवास कर रहा हूं? आज मैं तेरे इस कुल्हाड़ी से टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। पर मैंने किया क्या है? अच्छा, तुझे नहीं पता तूने क्या किया? देख तेजू, मेरी बात कान खोल के सुन। जो भी फैसला मेरे माँ बाप करेंगे और सरपंच साहब करेंगे मैं वो मानूंगी। तुझे मुझसे कोई मतलब नहीं है, तो दफा हो यहाँ से। और भाड़ में गए तेरे माँ बाप और भाड़ में गया वो सरपंच। इस गांव की इज्जत बचाने के लिए अगर मुझे तेरे टुकड़े टुकड़े करके जेल भिजाना पड़ा तो मैं जाऊंगा, समझी? तेरी हिम्मत कैसे से बात करने की? आज के बाद अगर यहाँ कभी आया ना तेरी टांगे तोड़ लूंगा। दबाओ यहाँ से। हमेशा हारने के लिए आ जाता है मेरे साथ। रख, हाँ सीधा रख, जैसा रखना रख, हारेगा तो फिर से हारेगा। चल लगा ले जोर। यार ये भैया मेरी बात क्यों नहीं मान रहे हैं? मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है उस विक्की पे। हाँ साला, शक्ल से ही कमीना लगता है। भाई जो भी कह लो, सरपंच साहब का भरोसा है, उनका ऑर्डर फाइनल है, क्या कर सकते हैं। अबे तीसरा हाथ भी लिया किसी का? अरे आज तो नहीं, आज तो जलूंगा भाई। अरे वाह, हैंड पावर। चलिए
हम भी आजमाते हैं। एम्पावर छोड़, ताकत आजमाते हैं। अरे यार आप तो सीरियस हो गए। मार क्यों रहे हो यार? आजा आजा आजा। जो काम दिया है ना उसे कर और जाके वापस से अपने बिल में छुप जा। और हाँ याद रखियो, कुछ भी इधर उधर हुआ ना तो मैं तेरी फाड़ के रख दूंगी। ये टिपिकल विलन वाले एक्सप्रेशन क्यों देकर गया? हाँ रहने से इनकी फटी पड़ी जो है। चल कोल्ड ड्रिंक मारते हैं। क्या बात, आप आज बहुत ज्यादा परेशान लग रहे हैं। भावना को बाहर भेज देने का फैसला ही ठीक रहेगा। ना तो यहां पे सुकून से जी पाएगी ना लोग जीने देंगे। अंकल जी नमस्ते। अरे विक्की, अरे मुझे लगा पहचाना नहीं आपने। अरे कैसे नहीं पहचानूंगा। अरे बस बस बस, बड़े सालों के बाद अच्छा लगा। आओ जी, आओ आओ आओ। अरे तुम्हारा छोटा भाई भी था ना? जी। क्या नाम था उसका? सोनू। अरे तू उसको क्यों नहीं ले आए? मुलाकात हो जाती उससे भी। नहीं नहीं बैठो, वो भी आया है। आया गाँव में। अच्छा और बताओ। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। अरे बैठो बैठो बैठो। और क्या बात है विकी बेटा, बड़े सालों बाद। जी बस
भावना को तुम ही लेने आए हो ना? जी। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाकर लाती हूँ। विक्की बेटा, अब भगवान के बाद मैंने सबको सरपंच साहब पे छोड़ दिया। तुम हो तो मैं काफी निश्चिंत हूं, बट एक तुमसे हाथ जोड़ के निवेदन है, उसके रहने का खाने पीने का अच्छे से इंतजाम कर लेना। हमारे घर की बच्ची, ध्यान रखना बेटा उसका। वैसे अंकल भावना है कहाँ? भावना, विक्की कैसे हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसे हो? कितने सालों बाद देखा ना आपको? 6-7 साल हो गए। 10 साल हो गए। टाइम का पता ही नहीं चला। याद है मुझे, तुम छोटी सी थी, तुम्हारी नाक बहती रहती थी। नाक बहती थी मेरी? हाँ। नहीं बहती थी? झूठे। इतने सालों बाद वापस आया हूँ, पूरा गांव वैसा का वैसा ही है, कुछ भी नहीं बदला। बहुत कुछ बदल गया है। आप शायद देख नहीं पा रहे। मैं अभी भी कह रही हूं, मुझे उस लड़के विक्की पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। तुम फजूल में टेंशन ले रही हो मुक्ति, सब ठीक है। देख, तेरे को अगर उस पर यकीन नहीं है तो इसके छोटे भाई घोंचू को यहीं पे रख लेते हैं, जब तक विक्की उस लड़की को छोड़कर नहीं आ जाता। हाँ, तू भी कभी कभी काम की बात कर ही देता है, ऐसा कर सकते है भाई? हाँ कर सकते। मेरी बात ध्यान से सुन, मुझे फोन मत करना जब तक मैं फोन ना करूँ, जब मैं फोन करूँ मौका देखते ही निकल लेना। बेटा तू परेशान ना हो, तूने जल्दी वापस आ जाना है। हाँ, रो मत, अपना ख्याल रखना।
काफी खुश लग रही हो। इतना दूर पहली बार जा रही हो? हम बस स्टैंड नहीं जा रहे क्या? नहीं, वो हिमाचल ज्यादा दूर नहीं है यहाँ से, एक घंटे में पहुंच जाएंगे बाइक पे। पर मैंने सुना है कि हिमाचल बहुत दूर है। नहीं नहीं, यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, क्योंकि हम जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पे रहते हैं, तो यहाँ से एक घंटा लगेगा बस। बहुत बड़ा है हिमाचल और बहुत खूबसूरत। जब से वो बहुत घुटन सी हो रही थी, अब काफी दिनों के बाद घर से बाहर निकलकर अच्छा लग रहा है। चले वो मैं ऐसे बैठ जाऊं? बैठ जाओ। उतरो आगे। इतनी जल्दी? अरे उतरो तो। चलो चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो ये है तुम्हारा घर? वाह कितना सुंदर है, है ना? पर हिमाचल तो बहुत दूर था ना? अरे यही है हिमाचल। चलो तुम्हारी फोटो लेता हूँ। चलो बैग उतारूँ? कोई फर्क नहीं पड़ता, स्माइल। 1 2 3 हाँ, तो तुम्हारी वीडियो बन रही है। ओके रेडी? चलो बताओ कि यहाँ हिमाचल का तुम्हारा ये घर तुम्हें कैसा लग रहा है? अच्छा है। रह लोगी ना आराम से? हाँ। ठीक से पहुँच गई? वेरी गुड। चलो अब एक काम करो, ये बैग वैग उतारो, यहीं रख दो अपनी जगह, एक बहुत खूबसूरत जगह दिखा के लाता हूँ। चलो आ जाओ आ जाओ। अच्छे हो, थैंक यू वेरी मच। अरे वाह आपके पास गन भी है, कितनी हैवी है ये, बहुत भारी है। वाह बहुत स्मार्ट समझते हो अपने आप को, होशियारी वो भी मुझसे।
गए। ये गन असली है, मैंने ये सब फिल्मों में ही देखी थी। हाँ, आप इसे पकड़ के एक डायलॉग सुनो, कोई अच्छा सा, बिल्कुल हीरो की तरह। I'm sorry, भावना, तुम्हें बता नहीं सकता मुझे कितनी तकलीफ हो रही है। तुम्हें अपने हाथों से मारना मेरे लिए इतना आसान नहीं है। तुम खुद ही कूद जाओ, वरना मुझे तुम पे गोली चलानी पड़ेगी। मुझे लगा आप अभी गोली चला दोगे। कितनी अच्छी एक्टिंग करते हो। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं भावना। एक डायलॉग और सुना दो प्लीज। वो कौन सी मूवी थी? हाँ, वो ना दीवार मूवी, वो मेरी फेवरेट मूवी है। उसका डायलॉग है ना, वो बहुत फेमस। हाँ, आज खुश तो बहुत हो गए तुम। हाँ, वो वाला डायलॉग सुना दो प्लीज। भावना जंप। अरे सुना दो ना, इसके बाद पक्का नहीं बोलूंगी। लास्ट बार बोल रही हूँ, उसके बाद पक्का नहीं बोलूंगी। कसम खा के बोल रही हूँ मैं। विक्की, जंप। ऐसा मत करो प्लीज। जंप। पर क्यों? जंप। हेलो। हाँ, पहुँच गए तुम लोग? जी, रास्ते में। भावना कैसी है? जी ठीक है। बात करा। जी वो सो रही है। तू उठा ले। जी वो मैं जी नेटवर्क नहीं आ रहा, कुछ आवाज़ नहीं आ रही आपकी। हेलो 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 We'll be right back.
Thank you.
अतरा नहीं, प्लीज मेरी हेल्प करो, किसी का नंबर भी नहीं है मेरे पास। भावना चुपचाप मेरे साथ चलो। मैं बोल रही हूँ मेरे पीछे मत आओ, वरना मैं यहाँ पे सबको इकट्ठा कर लूंगी। मैं बोलूंगी यहाँ पे मुझे छेड़ रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, जाओ जाओ। फिर नहीं उठाया फोन। ये फोन क्यों नहीं उठा रहा? मुझे तो पहले से ही शक था इस पे। मरेगा साला मेरे हाथों से। ओ नमूने, इधर आ। फोन लगा अपने भाई को और स्पीकर पे रख। नहीं उठा रहे। तुम लोग ट्राई करते रहो, मैं पंचायत से होके आता हूं। साला कर क्या रहा है ये? अब तू क्या कर रहा है? फोन लगा रहा हूं। मैंने इतने फोन किए, मेरा नहीं उठाया, तू स्पेशल है तेरा फोन उठाएगा वो? तो नहीं, अपने सतीश को फोन लगा रहा हूं। अरे शाम के कोटे का बंदोबस्त भी तो करना है। तू इस टाइम भी दारू? हाँ तो तू मत मांगना ना अब। हाँ बबलू, एक गाड़ी चाहिए मुझे किराए पे, मिलेगी? ये दोनों ही भाई कमीने हैं। ये मरेगा साला आज। और नमूने, तेरा भाई फोन क्यों नहीं उठा रहा? मुझे क्या पता? तुझे क्या पता? मार क्यों रही है मुझे? मैं भी कितनी बार फोन ट्राई कर चुका हूं, जब नहीं उठा रही, इसमें मेरी क्या गलती है? तेरी क्या गलती है? देखिए हाथ मत उठाइए। हाथ मत उठाइए, हाथ मत उठाइए साले। साले ले, ले। तुम दोनों भाई ना हाथ नहीं लात खाने के लायक हो। ले लात। हाथ मत, हाथ मत उठाओ। मार दूंगी तुझे मैं। छोड़ इसको, छोड़ इसको, मर जाएगा ये। मुक्ति छोड़ इसको, चल मर जाएगा ये, चल।
बाहर निकल, बाहर निकल। हाँ? बहुत जिद्दी है, बहुत जिद्दी है। समझ में नहीं आता, नहीं आता ना, नहीं आता ना। तेरे मुंह के अंदर गोली मारूं तब तेरे को समझ में आएगा क्या? चल चल उठ। चल इधर। तुझे बोला था अपने हाथों से गोली नहीं मार सकता, चुपचाप खुद ही कूद जा। समझ में नहीं आता तुझे? चल अब चल, अब चुपचाप कूद। मैं कूद जाऊंगी, पर प्लीज मेरा एक काम करना। मेरे पापा से कहना कि मैं उन्हें बहुत प्यार करती हूं। उनसे कहना कि मैंने कुछ गलत नहीं किया था, मैं हमेशा से चाहती थी कि उन्हें मुझ पर गर्व हो, और मेरी माँ से कहना कि उन्होंने हमेशा मुझे मेरी सकी माँ से भी ज्यादा प्यार किया। उन्हें बोलना कि मैं भी उनसे बहुत प्यार करती हूँ। उनसे कहना वो दोनों हमेशा मेरे साथ रहेंगे।
अरे वेलकम वेलकम। यहाँ कोई रिसेप्शनिस्ट या मैनेजर? अरे मैं ही मैनेजर, मैं ही पियोन, मैं ही सफाई कर्मचारी और मैं ही इस होटल का मालिक। आइए वेलकम वेलकम वेलकम। आइए आइए। हाउ कैन आई हेल्प यू? जी बस कमरा चाहिए। मैरिड और सिंगल? जी सिंपल क्वेश्चन है भाई, शादीशुदा हो या? नहीं नहीं, हम बस दोस्त हैं, घूमने आए। सब यही कहते हैं, सब दोस्त होते हैं। आईडी? आईडी भाई फॉर्मेलिटी है, आईडी दिखा दो। हाँ ठीक है, आप रूम में चलिए, आपको कार्ड वहीं पे मिल जाएगा। कुछ भी चाहिए हो जस्ट डायल 9। ठीक है, आप पहले यहाँ पे साइन कर दो, ये यहाँ पर 204। चलिए कीज अभी लड़का आ जाएगा देने के लिए, आप जस्ट ऊपर जाइए। चलिए प्लीज यहाँ सीढ़ियों से ऊपर ऊपर। हाँ जी। अरे भाई परशोत्तम 204 खोल दे, चल शाबाश, वेलकम वेलकम। तुम्हें पावर्स इसलिए नहीं दिए गए कि तुम उनका इस्तेमाल ऐसे करो। इसको मारने से क्या वो फोन उठा लेगा? अच्छा पर फिर भी थोड़ा बहुत कुछ भी पता नहीं चला। पता चला, बहुत दर्द हुआ, तकलीफ मौत से बढ़कर। इस समय भी उसे याद करते हुए बहुत अजीब सा, बहुत गंदा महसूस हो रहा है। सादी बेहोशी ने मेरा दिमाग सुन कर दिया था, कुछ भी समझ नहीं आया। मैं जानता हूं शायद मैं तुम्हारी तकलीफ महसूस ना कर पाऊं, पर समझ सकता हूं। भावना तुम पहले से इतनी तकलीफ में थी, ऊपर से मैंने तुम्हारे साथ तुम पे हाथ, मैं जानता हूं माफी काफी नहीं है इसके लिए, पर मुझे कुछ और समझ भी नहीं आ रहा। I'm sorry. Really sorry. भैया आप मानो या ना मानो पर मेरा दिल कह रहा है कि पक्का उस विक्की ने कुछ ना कुछ बड़ी गड़बड़ की है, और इन दोनों भाइयों पर तो मेरे को बिल्कुल भरोसा नहीं हो सकता। अरे साहब जी, मैंने ऐसे कितना समझाया कि इसे ऐसे मारेगी तो मर जाएगा, ये समझती नहीं है ये।
ओए, किसका फोन है? फोन निकाल, फोन निकाल, अबे जल्दी कर। विकी का फोन है। हेलो। हाँ सोनू, मेरी बात ध्यान से सुन। मैं उधमपुर हूँ, होटल रेड रोज। चुपचाप वहाँ से निकल और यहाँ पहुँच, जल्दी। भैया आप रहने दो, उस विक्की के लिए तो मैं अकेली काफी। अरे नहीं 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 नहीं, मुझे टेंशन नहीं लेनी है, मुझे यहाँ पे बैठ के टेंशन हो रही है। तू चल गाड़ी खोल फटाफट। और तू सुन, सोनू का ख्याल रखना अच्छे से। तू टेंशन मत ले। क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। सोनू आता होगा, आ जाए तो कोई हल निकालते हैं मिलके। मुझे किसी पे भरोसा नहीं है। क्या हुआ, तुम ठीक हो? पता नहीं मम्मी पापा कैसे होंगे, मेरा पता नहीं क्या होगा, कुछ समझ नहीं आ रहा, कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा। अब वापस जिंदा हो गया हूं। तुम्हें पता है हम दोनों में कुछ सिमिलैरिटीज हैं। वो क्या? वो ये कि जैसे तुम्हारी भी मम्मा नहीं, मेरी भी मम्मा नहीं, तुम भी ठीक ठाक दिखती हो, मैं भी काफी अच्छा दिखता हूँ। मेरा मतलब तुम अच्छी दिखती हो, मैं भी ठीक ठाक दिखता हूँ। कुछ भी। मुझे पिज्जा पसंद है, तुम्हें भी पसंद होगा एज यूजुअल। नहीं नहीं, मुझे पिज्जा नहीं पसंद। आई हेट पिज्जा, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। आपने भी बोला था कि आपको पिज़्ज़ा पसंद है। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे 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 पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा पसंद है। तुम
गांव वालों को ना बस गांव की ककड़ियां, गांव की मुर्गियां, गोबर पसंद होगा ना काफी। गोबर कौन खाता? आप गोबर खाते थे जब आप गांव में? मतलब दुनिया में जो चीज पसंद होती है वो खाने की होती है क्या? देखो भाई, मुझे खुद भी नहीं पता कि विकी भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं। तुम मुझ पे यकीन करो या ना करो, पर मैं तुम लोगों के साथ हूँ। यकीन तो तेरे भाई का भी किया था। जब तक ये मामला क्लियर नहीं होता, चुपचाप से अंदर रह। केतन जी भाई, नजर रखो इस पर। आप फिकर मत करो भाई। विक्की, मुझे मारने के लिए आपको कहा किसने था? फोन क्यों नहीं उठाता तू? फोन क्यों नहीं उठाता? बड़ी मस्ती चाहिए तेरे को? फोन क्यों नहीं उठाता तू? फोन क्यों नहीं उठाता? बड़ी मस्ती चाहिए ना? आने को तो तेरे साथ। आदा, तुम ठीक हो? दीदी मेरे पास नहीं आना। दीदी मैं मार दूँगी, मेरे पास नहीं आना। ये पागल लड़की क्या कर दिया? ये लड़की पागल तो नहीं हो गई है? ये मेरे को क्यों मार रही है? अरे मेरे को क्या मालूम क्यों मार के गई, मैं खुद परेशान हूं। भागे वो लोग, अब क्या करना है? पकड़।
रुको जरा। अरे कोई भी नहीं है यहाँ, और कितना बकाएगा, चल चलते हैं यहाँ से। आप चिंता ना करो साहब जी, आज तो उन दोनों को ढूंढ कर ही दम दूंगा। अरे मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई मिलेगा, कब से तो ढूंढ ही रहे हैं। अरे वो शिट, भाग। तेरा दिमाग खराब हो गया हाँ? तो मुझे क्यों मार रही है? पागल हो गई है तू? बहुत भगा लिया तूने। अब भाग के दिखा। Ah!
ठीक कहती थी मुक्ति, मेरे पे भरोसा नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। आज तक किसी पर बेवजह पिस्तौल नहीं थानी, लेकिन तूने आज वजह दे दी है विकी। गोली चलाएगा, चला चला। ये कौन? समय?
मुझे सब याद आ गया, वो आप थे। मैं रोती रही, तड़पती रही, मरती रही। सबने मुझे गलत समझा, मेरी जिंदगी नरक बन गई। सब आपकी वजह से हुआ। आज यहां तो आप सच बोलोगे, यहां तो मैं आपको गोली मारूंगी। ए लड़की, क्या बोले जा रही है फालतू में? मैंने कुछ नहीं किया, झूठ बोल रही है ये। मैं सच बोल रही हूं, मैं गोली मार दूंगी। एक गोली चल जाएगी, नीचे रख, नीचे रख, मैं बोल रहा हूं, नीचे रख, गोली चल जाएगी। बता दो, गोली नहीं चलाना, गोली नहीं चलाना। मैं चाहूं तो वो केस आज भी खुलवा सकता हूं, और नतीजा तो तुम जानते ही हो। और अगर काम कर दिया तो मुंह मांगे के मत। वो सब अनजाने में हो गया। मुक्ति, पंकज, सरपंच, कौन किसकी तरफ है कुछ पता नहीं, पर ये काम मुझे सरपंच ने दिया है। Thank you.